6000 से अधिक पाकिस्तानी हिंदुओं को विश्व समाज के दिल्ली में कॉन्फ्रेंस था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कई मुद्दों को लेकर। इसी बीच हमारे सामने मौजूद है प्रतिनिधि कुछ कहने के लिए। विश्वेंदु भूषण ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, मुख्य रूप से पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहे हैं उसके विरोध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब से करोड़ों हिंदुओं का नाश वहां पर इन 60-70 वर्षों में हो चुका है। और उसके ताजे उदाहरण अभी पिछले सप्ताह में आए हैं कि होली के समय सिंध प्रांत में दो कन्याओं का, हिंदू कन्याओं का अपहरण हुआ, उनका जबरन धर्मांतरण हुआ और उनका जबरन निकाह करा दिया गया। और अभी दो दिन पहले मेघवाल हिंदू समाज की एक कन्या का पुनः अपहरण हुआ है। और इसी कारण से आज ये दिख रहा है कि जो दशकों से पाकिस्तान में चल रहा है उसके जीवंत उदाहरण आ रहे हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि GHRD है या मूवमेंट फॉर सॉलिडेरिटी और पीस है, इन्होंने कहा है कि हर साल पाकिस्तान में 1000 से अधिक हिंदू कन्याओं का या अल्पसंख्यक समुदाय के कन्याओं का अपहरण और धर्मांतरण होता है। तो ये बहुत बड़ा संकट हिंदू समाज के लिए है। ऐसे लोग सुरक्षित होने चाहिए, भारत के हिंदू समाज की, विश्व हिंदू परिषद की इच्छा है। और इसलिए ऐसे कोई लोग यदि आश्रय के लिए भारत आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनके सहयोग का पूर्ण मदद हम। और पाकिस्तानी हिंदुओं से संबंधित जो कुछ भी आपके पास आंकड़ा है उसका सोर्स क्या है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भूमिगत भूतल पे क्या कुछ करने वाले हैं? एक तो पिछले 1.5 वर्ष में 6000 से अधिक पाकिस्तानी हिंदुओं को केंद्र सरकार की अच्छी नीतियों के कारण से नागरिकता मिलने में मदद हुई है। और ये 6000 से अधिक लोगों को ये नागरिकता मिलने में हमारी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ये पहली मदद है कि जो भारत में शरण लेने के लिए आएगा उसको पूर्ण सहयोग करना एकदम जमीनी काम हम कर रहे हैं। आज ऐसे 50,000 से अधिक लोग पाकिस्तानी हिंदू हैं कि जिनकी एप्लीकेशन यह पाइपलाइन में अभी है, उनको भी सहयोग करने का मदद प्रयास हम करें। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी भाईचारा है, सबको एक साथ लेकर चलने की हम मादा रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्या सोचता है हिंदू और मुस्लिम के बीच? पाकिस्तान अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। यदि वहाँ के हिंदू असुरक्षित है तो पाकिस्तान अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है। और ये भूल रहा है कि हिंदुओं को भी ह्यूमन राइट्स हैं और इसीलिए हिंदुओं के अधिकारों का, उनके परिवारों का, उनकी बहु बेटियों की रक्षा करना उस सरकार का दायित्व है। वो नहीं निभा रहा है और इसलिए उसके तरफ उसने ध्यान देने की जरूरत है। और हिंदू धर्म होने के नाते जो भी पाकिस्तानी महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा, अत्याचार हो रहा, वो हमारी माँ, बहन, बेटियाँ हैं, ऐसे में हमारा दायित्व केवल सम्मेलन तक बुलाना है और कुछ भी करना है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि हजारों लोगों को भारतीय नागरिकता देने में हमने मदद की है। अभी हम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी इसको मूव करेंगे और एक वैश्विक दबाव पाकिस्तान सरकार के लिए ऊपर आएगा, ताकि क्योंकि यह इंटरनेशनल इशू हो गया है, तो इसके लिए उस स्तर पे भी काम करेंगे। हम अपने केंद्र सरकार के भी पीछे लगेंगे कि जिन्होंने कुछ अच्छी पॉलिसीज सिटीजनशिप बिल में योग्य बदल करने की लाई हैं। हालांकि कुछ देश जो हिंदू नीति का विरोध करते हैं, देश के कुछ लोग, वो उस बिल को पार्लियामेंट में पारित नहीं होने दे रहे, तो मुझे लगता है सरकार के ऐसे प्रयासों को भी मदद करने की जरूरत है। सर, जहाँ तक बिल की बात करें, आपकी ही सरकार पिछले 5 सालों से है, एक चुनाव दोबारा सर पे आ गया है, ऐसे में बिल पारित ना होना इसका किसे कहा जाए? जो इसका विरोध कर रहे हैं वो उसके दोषी। जी हाँ, लाने वाले उसका क्रेडिट लेना चाहिए। जी हाँ, आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया की।